हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। आपने या तो सेमेस्टर 3 में या फिर सेमेस्टर 4 में ये सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसे सिलेबस की तरफ अगर नज़र डालें तो पहला जो यूनिट है वो ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद, किसी चीज़ को इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश या किसी और रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो ट्रांसलेट का इंट्रोडक्शन पार्ट आप यूनिट 1 के अंदर पढ़ोगे। ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हिस्ट्री है इसका, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। बेसिक कॉन्सेप्ट और टर्म्स जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर यूज़ होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इक्विवेलेंस, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, सोर्स टेक्स्ट, टारगेट टेक्स्ट, लैंग्वेज वेराइटी, तो ये सब चीज़ें आप इसमें टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ोगे बेसिक ट्रांसलेशन की, और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, इम्पोर्टेंस है, वो सब चीज़ें। यूनिट 2 में आप थ्योरी पढ़ोगे लिंग्विस्टिक्स की, जिसमें आपका मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी सिंटैक्स है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है किसी लैंग्वेज की स्टडी करना। फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो आप पढ़ोगे, एनालिसिस, ट्रांसफरेंस, रिस्ट्रक्शन थ्रू क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स ट्रांसलेशन टेक्स्ट। अलग अलग जो ट्रांसलेशन होता है, अलग अलग जो टेक्स्ट होता है उनको ट्रांसलेट करना, उसके थ्रू आप जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो पढ़ोगे। फिर यहाँ पे मोड्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिसमें आपका सेमेंटिक एंड लिटरल ट्रांसलेशन है, फ्री सेंस टू सेंस एंड लिटरेरी ट्रांसलेशन है, अलग अलग टाइप्स और मॉडल्स हैं ट्रांसलेशन के, वो पढ़ोगे। इसके बाद प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें आपका इडियोमेटिक, यानी कि बेसिकली किसी एक्सप्रेशन को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, किसी पैराग्राफ को इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ये सब चीज़ें आपको यूनिट 4 के अंदर पढ़नी है। फिर यूनिट 5 के अंदर आपको पढ़ना है ट्रांसलेशन के अंदर इश्यूज़ क्या आते हैं। ट्रांसलेशन एंड जेंडर, कास्ट, कल्चर, टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, इसमें इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न दोस्तों, पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का पेपर आएगा। ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है तो इंग्लिश में ही आंसर करने हैं। जो क्वेश्चन हिंदी में करने को कहा जा रहा है उसको हिंदी में करना है, जिससे आपको वीडियो में देखोगे तो पता चल जाएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। 2 सेक्शन रहेंगे दोस्तों, हर एक सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन करने। सेक्शन ए 30 मार्क्स का, सेक्शन बी 45 मार्क्स का, 3 × 10 और 3 × 15, मतलब कि सेक्शन ए में एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और सेक्शन बी में एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, ठीक है। हर एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कोई 3 आपको करने हैं। सेक्शन ए से इसमें कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसक्रिएशन, एक्सप्लेन विद अ सुइटेबल एग्जांपल। जब आप एक लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज में चीज़ों को ट्रांसलेट कर रहे होते हो, उसका मतलब समझ रहे होते हो, तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिएशन बोलते हैं। तो आपको उसी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है और कुछ उसके एग्जाम्पल देने हैं। फिर है आपका, आपको कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग के अंदर डिफरेंशिएट बताना है एग्जांपल के साथ, ठीक है। फिर है आपका इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट आपको बताना है ट्रांसलेशन के अंदर कुछ एग्जांपल्स के साथ। फिर है आपका डबिंग के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। डबिंग क्या होता है आप मीनिंग सही समझ रहे होंगे, वर्ड सही। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड डिस्कस। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए, इसमें से कोई 3 करना है आपको। लास्ट वाले क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा है भाई, जो ट्रांसलेशन की जो इम्पोर्टेंस है ग्लोबलाइज दुनिया में, यानी कि ऐसी दुनिया में जहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जा रहे हैं, व्यापार हो रहा है, पॉलिटिकल रिलेशन बन रहे हैं, तो ऐसी कंट्री, ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस संदर्भ में आपको ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस को बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में हो गए, जिसमें से कोई 3 आपको करने हैं। बी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज कल्चर प्ले इन द ट्रांसलेशन ऑफ अ नॉवल और अ शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एक पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर सोसाइटी का जो कल्चर है वो किस तरीके का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी नॉवल या किसी शॉर्ट स्टोरी को ट्रांसलेट करने में एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। आपको किसी अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। इसके बाद है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाई क्वालिटी सिनेमेटिक एडेप्टेशन, डिस्कस विद एग्जाम्पल ऑफ अ मूवी यू हैव सीन। आपको करेक्टरिस्टिक बतानी है हाई क्वालिटी सिनेमेटिक एडेप्टेशन की, किसी एग्जाम्पल के साथ, किसी मूवी को आपने देखा हो उस एग्जाम्पल के साथ। 8th क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रटेशन आर रिलेटेड एक्टिविटीज़ बट दे रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स। ट्रांसलेशन हो गया
और इंटरप्रिटेशन हो गया, ये आपस में दोनों रिलेट करती हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। क्या आप इससे एग्री हो? अगर एग्री हो तो अपने एग्जांपल के साथ अपनी बात को रखिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे आप यहाँ पैराग्राफ हिंदी में रीड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों पर हुआ है, इसका कारण है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। बीते वर्षों में भारत के प्रत्येक नगरों में कारस्थानों की जितनी तेज़ी से वृद्धि हुई है, बेसिकली हिंदी में पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। याद रखिए पार्ट बी में जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो 15 नंबर के हैं, और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका उसमें आपको इंग्लिश में पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। मैं यही बात बोल रहा था, जो क्वेश्चन है हिंदी में करने को बोला जा रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है इसको हिंदी में करने को बोला जा रहा है, तो आपको हिंदी में ही करना होगा इसको, ठीक है। वन वार्म आफ्टरनून मिसिस शिवा वॉन्टेड टू मेक सम कोल्ड ड्रिंक्स फॉर हर फैमिली, शी आस्क हर सन कुमार टू गो टू द नियर बाई शॉप टू बाय अ बिग पैकेट ऑफ आइस। तो ये कुछ आपका पैराग्राफ है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों पेपर है आप लोगों का इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ का। पार्ट ए काफ़ी ईजी है, पार्ट बी में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, उसके बाद ही आप इसको रिजॉल्व कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।